हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपने DHL एक्सप्रेस से जो है कोई सामान जो है मंगाए हो, जैसे कि इंडिया से, चाहे पाकिस्तान से, चाहे बांग्लादेश से, कहीं से भी आप मंगाए हो और पता करना चाहते हो कि आपका सामान जो है कहाँ तक आया है, तो कैसे आप ट्रैकिंग कर सकते हो, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुनील कुमार चौहान और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे टेक्नोलॉजी सुनने चैनल में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जो है अपने मोबाइल फ़ोन में DHL स्प्रे जो ऐप है प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन जैसे आप करेंगे तो दोस्तों ऊपर लिख के आएगा एंटर 10 डिजिट ट्रैकिंग नंबर, तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देना है। और 10 डिजिट मतलब 10 नंबर का आपको ट्रैकिंग नंबर मिला होगा, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आया होगा, वहीं पे दोस्तों ऊपर लिख के आएगा DHL एक्सप्रेस के साथ ही दोस्तों नंबर लिख के आएगा। तो चलिए दोस्तों मेरा जो है ट्रैकिंग नंबर आ चुका है, तो मैं चलिए यहाँ पे डाल देता हूँ। ट्रैकिंग नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको सर्च पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जो है अभी तक मेरा जो है पिकअप हो चुका है। और दोस्तों अभी जो है टाइम लगे 12 अक्टूबर मतलब 18 अक्टूबर के अंदर अंदर जो है ये लोग डिलीवरी दे देंगे, यहाँ पे जो है लिख के आ रहा है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ तक जो है आया है, अभी जो है डिलीवरी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप पूरा जो है डिटेल आप पता कर सकते हो नीचे क्लिक करके, और कहाँ से भेजा गया है। तो दोस्तों मैंने जो है दिल्ली से, इंडिया से जो है मैंने मंगाया है, और ये अभी तक जो है बहरीन में आके जो है मेरा सामान रुका हुआ है, और दोस्तों अभी तक जो है नहीं मिला है। तो 18 तारीख के अंदर अंदर जो है आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपका सामान कहाँ तक आया है, और दोस्तों आपको मालूम हो जाएगा कि आपका सामान कहाँ तक है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, यही करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम।